326 Sikh Guman Singh Damor 326 जवाब सभा पटल पर रखा सर। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और हमको इसका लाभ कोरोना काल में मिला है। मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्रालय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन ज्ञान है और हम इस ज्ञान का उपयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से ज़्यादा करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कई व्यक्ति पीढ़ियों से वैद्य का काम कर रहे हैं और उन्होंने कोरोना काल में कई लोगों की जानें बचाई है, वे स्किल्ड हैं, परंतु उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ऐसे वैद्यों का पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी और उनको विधिवत चिकित्सा की अनुमति देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सांसद ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में आज उन्होंने उठाया है, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय सांसद एक डॉक्टर भी है, प्रतिष्ठित डॉक्टर है और उन्होंने दो है ना सॉरी मैं क्योंकि डॉक्टर होने के नाते उन लोगों का पास अनुभव है और सही सवाल उन्होंने लाए हैं, क्योंकि हमारे देश की प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति का शक्ति इतना दिन तक हम लोगों ने महसूस नहीं किया था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आयुष को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया और उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया, सिर्फ एक दिन में एक स्कीम अनाउंस किया उसका बात छोड़ दिया ऐसा नहीं, निरंतर कोशिश जारी रखा, जिसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम सबको इस सदन को गर्व महसूस करना चाहिए, होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए। और माननीय सांसद ने जो सवाल की है ये सही है, जो भी हमारे हिलर्स है सदियों से परंपरागत पद्धति के द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेवा करते आए हैं, जो प्रैक्टिशनर है इनको सही मान्यता देना चाहिए, ये मैं आपका साथ सहमत हूँ और इसका काम शुरू हो रहा है। हर प्रदेश को ऐसे ही कहा गया है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए जिसको आज तक स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने रात ढेर आपको भी कोई फैमिली का कोई संकट होता है स्वास्थ्य का, तो प्राचीन पद्धति के जरिए उस फैमिली को राहत देते हैं, तो उनका निश्चित रूप से सूची तैयार हो जाना चाहिए, मैं आपका पास सहमत हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी को। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जंगलों में बहुत औषधियाँ हैं और हम उन औषधियों का बराबर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अभी भी हम जो औषधियाँ बनवाते हैं वो 1940 और 1945 के नियम के अनुसार बनाते हैं, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है, अब बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि क्या हम राष्ट्रीय नीति तैयार करेंगे ताकि हमारे वनों में जो औषधियाँ हैं उनका हम अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो भी स्कीम है वन धन योजना, इसके आधारित जो जंगल में हमारे मेडिसिनल जो प्लांट है
इसका कलेक्शन किया जाता है, आपको भी मालूम है। तो ये बात सही है कि हम लोगों को कन्वर्जन मोड में इस चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए आयुष मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट साइंस मंत्रालय और साथ में ट्राइबल मंत्रालय, हम एक साथ मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में निश्चित रूप से हम कदम उठाएंगे।